चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हेलो फ्रेंड्स, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के दो और टाइप्स पैरासिटिक न्यूट्रिशन और सिम्बायोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन से। पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी नॉन ग्रीन प्लांट्स में होता है, यानी प्लांट्स दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल। लेकिन ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता क्या है? कुछ प्लांट्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर रहते हैं और उनसे रेडीमेड फूड यानी उनका बनाया हुआ फूड ले लेते हैं। उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट्स और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन करेंगे? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव रेडीमेड फूड फ्रॉम देम इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो समझ आया आपको? और जो प्लांट फूड नहीं बना सकता और रेडीमेड फूड कंज्यूम करता है उसे कहते हैं पैरासाइट। जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे होस्ट कहते हैं। तो बताइए पैरासाइट क्या है? द प्लांट दैट ऑब्टेन्स रेडीमेड फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ पैरासाइट। और व्हाट इज अ होस्ट? द ऑर्गेनिज्म ऑन विच द पैरासाइट लिव्स एंड टेक्स इट्स फूड इज कॉल्ड अ होस्ट। अब पैरासाइट्स के दो टाइप्स होते हैं, टोटल और पार्शियल। पैरासाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, टोटल पैरासाइट एंड पार्शियल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट्स अपनी हर एक रिक्वायरमेंट के लिए होस्ट पर डिपेंड करते हैं। टोटल पैरासाइट का एग्जाम्पल है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा की स्टेम लॉन्ग येलो थ्रेड जैसी होती हैं। क्या आपने कभी एक ट्री पर थिन येलो स्टेम्स को ग्रो करते देखा है? वो थिन स्टेम्स कस्क्यूटा की हैं, जो किसी और ट्री पर क्लाइम कर उस पर स्प्रेड हो जाती हैं और उससे न्यूट्रिशन ले लेती हैं। तो समझ आया आपको टोटल पैरासाइट का एक ये एग्जाम्पल? अब बात करते हैं पार्शियल पैरासाइट की। पार्शियल पैरासाइट का एग्जाम्पल है मिसल टो। मिसल टो प्लांट के पास ग्रीन लीव्स होती हैं और ये लीव्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकती हैं, पर वाटर और मिनरल्स के लिए ये होस्ट प्लांट पर डिपेंड करती हैं। इसी वजह से ये टोटल पैरासाइट नहीं है, ये क्या है? बिल्कुल, ये पार्शियल पैरासाइट है। Mistletoe plant has green leaves. It can prepare its own food, but receives water and minerals from the host plant. तो समझ आया आपको friends? Good. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब question ये है कि parasite host से food absorb कैसे करता है? Parasite के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं होस्टोरिया। क्या कहते हैं? होस्टोरिया। होस्टोरिया नीडल्स की तरह होस्ट प्लांट बॉडी में पियर्स करते हैं, यानी घुस जाते हैं, और पैरासाइट्स इनकी हेल्प से रेडीमेड फूड अब्सॉर्ब करते हैं। पैरासाइट हैज अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड होस्टोरिया विच पियर्स द होस्ट प्लांट बॉडी एंड अब्सॉर्ब दी रेडीमेड फूड। ये तो बात हुई पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। चलो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्बायोसिस की। सिम्बायोसिस में दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। सो व्हाट इज सिम्बायोसिस? द एसोसिएशन बिटवीन two different types of organisms
where they live and work together for mutual benefit is called symbiosis. क्या आप इसका कोई example बता सकते हैं? आपको याद होगा, नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक बैक्टीरिया हेल्प करता है। याद है? क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? सही कहा, राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स बैक्टीरिया को शेल्टर और फूड देते हैं, और बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया प्लांट को सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। इस केस में दोनों ही प्लांट और बैक्टीरिया एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड प्रोवाइड देम नाइट्रोजन इन द सॉल्युबल फॉर्म। द लेग्यूमिनस प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। क्या आप लेग्यूमिनस प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हैं? वेल, लेग्यूमिनस प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं पल्सेस, पी, ग्राम, एक्सेट्रा। नेचर में सिम्बायोसिस का एक और एग्जाम्पल है लाइकेंस। लाइकेंस में दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, एक एल्गी और एक फंजाई साथ में रहते हैं। लाइकेंस आर कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, एल्गी एंड फंजाई। अब आप जानते हैं कि एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, तो उससे क्या होगा? एल्गी फूड प्रिपेयर करेगा और फंगस के साथ शेयर करेगा, और फंजाई वाटर, मिनरल्स और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा एल्गी के लिए। तो इस एसोसिएशन में भी दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। द एल्गी कंटेन क्लोरोफिल एंड मेक्स इट्स ओन फूड एंड शेयर द फूड विद द फंजाई। द फंजाई प्रोवाइड्स वाटर, मिनरल्स एंड प्रोटेक्शन टू द एल्गी। स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। इस स्पेशल मोड में प्लांट्स इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं। जो प्लांट्स ये स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस मतलब इंसेक्ट पर फीड करने वाले प्लांट्स, यानी जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स। तो क्या ये प्लांट्स ग्रीन नहीं होते या अपना फूड खुद नहीं बना सकते? वेल, ये प्लांट्स ग्रीन होते हैं और अपना फूड भी खुद बना सकते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर जनरली ग्रीन एंड कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो फिर इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं? फ्रेंड्स, आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स बनाने के लिए प्लांट्स को नाइट्रोजन सराउंडिंग से चाहिए होता है, पर ये प्लांट्स सराउंडिंग से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। ये उस सॉइल में ग्रो करते हैं जिसमें नाइट्रोजन कम है, और अपनी नाइट्रोजन की नीड को पूरा करने के लिए ये प्लांट्स इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं। दीज प्लांट्स cannot get nitrogen from the surroundings and feed on insects to fulfill their nitrogen requirements for preparing proteins. Insectivorous plants ke kuch examples hain pitcher plant, Venus flytrap, Drosera, etc. Sabse pehle pitcher plant ke bare mein baat karte hain. Insects par feed karne ke liye pitcher plant mein कई मॉडिफिकेशंस हैं। क्या मॉडिफिकेशंस हैं पिचर प्लांट में, चलो डिस्कस करते हैं। पिचर प्लांट में लीफ लैमिना एक पिचर यानी घड़े की फॉर्म में मॉडिफाइड होती है। इन पिचर प्लांट द लीफ लैमिना इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पिचर लाइक स्ट्रक्चर, और लीफ का एपेक्स एक लिड में मॉडिफाइड होता है। ये लिड पिचर के माउथ को ओपन और क्लोज कर सकती है। The apex of the leaf is modified into a lid that can open and close the mouth of the pitcher.
पिक्चर के अंदर कुछ हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। देर आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द पिक्चर। जब कोई इंसेक्ट पिक्चर पर आता है तो लिड क्लोज हो जाती है और वो इंसेक्ट पिक्चर के अंदर हेयर्स में फंस जाता है और अंदर ही ट्रैप हो जाता है। When an insect lands on the picture, the lid closes and the insect gets entangled in the hair present inside the picture. पिक्चर के अंदर क्या होता है? पिक्चर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है जिससे इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है और प्लांट्स उससे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं। द पिक्चर सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस विच डाइजेस्ट द इंसेक्ट एंड प्लांट्स अब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। तो समझ आया आपको कि इंसेक्टिफोरस प्लांट्स कैसे अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करते हैं? गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सॉइल में न्यूट्रिएंट रेप्लेनिशमेंट की। न्यूट्रिएंट रेप्लेनिश का मतलब है कि जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में कम हो गए हैं उन्हें फिर से ऐड करना। प्लांट्स कॉन्टिन्यूसली सॉइल से मिनरल न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करते रहते हैं। इसकी वजह से सॉइल में नाइट्रोजन डिप्लीट यानी कम हो जाता है, तो हमें ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल को सप्लाई करने पड़ते हैं। सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करना क्यों जरूरी है? ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी है। इन न्यूट्रिएंट्स का सफिशिएंट अमाउंट प्लांट्स को मिल सके, इसीलिए जरूरी है। तो ये कैसे किया जाता है? इसके लिए सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू रेप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और इसीलिए हम टाइम टू टाइम सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइजर डालकर उसे एनरिच करते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस दैट आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। इसके अलावा एक नेचुरल तरीका भी है सॉइल को एनरिच करने का। आपको याद है हमने सिम्बायोसिस में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था कि वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहकर प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं। ये तरीका हम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रेप्लेनिश करने में भी यूज करते हैं। कैसे? फार्मर्स लेग्यूमिनस प्लांट्स को क्रॉप प्लांट्स के साथ अल्टरनेट ग्रो करते हैं। क्या आप बता सकते हैं इससे क्या होगा? वेल, इसकी वजह से सॉइल में नाइट्रोजन ऐड होती रहेगी और सॉइल फर्टाइल रहेगी। फार्मर्स ग्रो लेग्यूमिनस क्रॉप्स इन अल्टरनेट विद अदर क्रॉप प्लांट्स एज द राइजोबियम बैक्टीरिया इन द रूट्स एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन। तो समझ आया आपको कि कैसे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रेप्लेनिश होते हैं? चलो इसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव रेडीमेड फूड फ्रॉम देम इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। द प्लांट दैट ऑब्टेन्स रेडीमेड फूड from another organism is called a parasite. फिर हमने बात की थी host की, the organism on which the parasite lives and takes its food is called a host. Parasites are of two types, total parasite or partial parasite. Example of a total parasite is cuscuta. Example of a partial parasite is mistletoe.
और फिर हमने बात की थी कि मिसल्टो पार्शियल पैरासाइट क्यों है। मिसल्टो प्लांट हैज ग्रीन लीव्स, इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड बट रिसीव्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। पैरासाइट हैज अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड होस्टोरिया विच पियर्स द होस्ट प्लांट बॉडी एंड अब्सॉर्ब द रेडीमेड फूड। फिर हमने बात की थी सिम्बायोसिस की, द एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर दे लिव एंड वर्क टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। राइजोबियम बैक्टीरिया लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड प्रोवाइड देम नाइट्रोजन इन द सॉल्युबल फॉर्म। द लेग्यूमिनस प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। लाइकन्स आर कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, एल्गी एंड फंजाई। एल्गी कंटेन क्लोरोफिल एंड मेक्स इट्स ओन फूड एंड शेयर द फूड विद द फंजाई। द फंजाई प्रोवाइड्स वाटर, मिनरल्स एंड प्रोटेक्शन टू द एल्गी। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैन नॉट गेट नाइट्रोजन फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, सो दे फीड ऑन इंसेक्ट्स टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रिपेयरिंग प्रोटीन्स। फिर हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा एक्सेट्रा। फिर हमने क्या पढ़ा था पिचर प्लांट की मॉडिफिकेशंस के बारे में, कि कैसे लीफ एक पिचर में मॉडिफाइड है और लीफ का एपेक्स एक लिड में मॉडिफाइड है। द लीव्स ऑफ द पिचर प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू अ पिचर एंड द एपेक्स ऑफ द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू अ लिड ऑन द माउथ ऑफ द पिचर। व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स ऑन द पिचर द लिड closes and traps the insect. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher to get nutrients. फिर हमने बात की थी manure और fertilizers की soil nourishment के लिए। Manure and fertilizers are used to replenish the nutrients like nitrogen, potassium, phosphorus in the soil. Farmers grow leguminous crops in alternate with other crop plants as the rhizobium bacteria in their roots enrich the soil with nitrogen. And of course, subscribe. So I hope friends, aapko acche se samajh aa gaya hoga. Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates.